بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه. तीसरी माह मुबारक रमाज़ान की दुआ की तलावत की इस दुआ में बंदा खुदा से चंद चीज़ों का मुतालबा कर रहा है सबसे पहली चीज़ानत हाफा होशियारी नमत अक्ल तक़ल और तफ़क् की दौलत का मतालबा खुदा से कर रहा है जहानत एक अजीम नेमत है हाफिज़ा एक अजीम दौलत है जो अल्लाह इन अपने बंदे को अता करता है उसी के मुताल की दुआ पहले फ़राज में है अल्लामुली हद्दन व तम्बी खुदाया आज के दिन मुझे जहानत अता फ़रमा मुझे होशियारी अता फ़रमा मुझे हाफिज़ा अता फ़रमा मुझे नेमत अक़ल से नवाज दे मौला अमिर उमोन हज़रतलि नबी तलबात वसलाम इस सिलसिले में अरशाद फरमाते हैं कि कौन सी चीज़ें हाफ के इजाफ़े का सबब बनती हैं मौला फरमाते हैं रमज़ान और हाफिजा का बड़ा गहरा रब्ता यही वजह है किमामा ने ताकीद की है माह मुबारक के रमज़ान में बेहतरीन काम तक्ल और तफ़क् करना तदब्बर करना अल्लाह की नमतों में गौर वफ़िक्र करना और ये चीज़ उस वक्त मुमकिन हो सकती है कि जब इंसान अच्छे हाफा उसके पास हो अच्छी जहानत का मालिक हो तो वह कौन सी चीज़ें हैं जिससे जहानत में इजाफा होता है जिस जिससे हाफिजे में इजाफा होता है मौला फरमाते हैं कि चार चीज़ें जिससे जहानत और हाफिज़े में इजाफ़ा होता है सबसे पहली चीज़ तिलावत कुरान करीम खूस माह मुबारक रमज़ान जिसको बहार कुरान कहा जाता है ये रमज़ान सिर्फ़ एक मामूली इबादत नहीं है बल्कि इंसान को कमाल और सदत तक पहुँचाने का एक जरिया है इंसान सिर्फ भूखा प्यासा रहकर वाब हासिल नहीं कर रहा है बल्कि चाह इंसान चाहे तो माह रमज़ान में अपने हाफे को कवी कर सकता है तिलावत कुरान के ज़रिए पहला सबब हाफजे को बेहतरीन करने के लिए तलावत कुरान दूसरा सबब मौला फरमाते हैं रोज़ा रखना आप महसूस कर सकते हैं कितना गहरा रबता है जहानत हाफे होशियारी तलावत कुरान और रोज़ा तीसरा सबब मिसवाक करना मस्तहब है आप जानते हैं हाफे के इजाफे का सबब बनता है चौथा सब, सबब असल यानी शहद का ज़्यादा इस्तेमाल इंसान की जहानत और हाफज़े में इजाफ़े का सबब बनता है मलाली आलाम ने इशा फरमाया दूसरा फराज़ और दूसरा जुमला आज की दुआ का वो तकरीबन इसी का लाजिमा है खुदाया आज के दिन मुझे नादानी ना, ना समझी कन जहनी सफ़ाहत और गबावत और हिमाक़त से महफूज रख वो चीज़ें जो इंसान को कन जहन बना देती हैं नादानी में उबला होता है इंसान इंसान कनजहन हो जाता है इंसान न... नाफ़हमी का शिकार हो जाता है रिवायात के अतबार से चंद चीज़ों की तरफ़ इशारा करना चाहता हूँ सबसे पहली चीज़ जब इंसान गुनाहों में मुबला होता है तो उसका हाफिज़ा चला जाता है नादानी में इजाफ़ा हो जाता है कन जहनी में इजाफा हो जाता है खसूस नामहरम की तरफ़ निगाह करने से नादानी और कन जहनी में इजाफ़ा होता है इसी तरह अगर नाखून बड़े हों तो यह भी सबब बनते हैं कि इंसान का हाफिज़ा चला जाए नादानी में इजाफा हो इंसान और इसी तरह से जो रिवायत में इशारा किया गया है चूहे वगैरह का झूठे खाने से इंसान के हाफिज़ में कमियाँ पैदा होती हैं दो औरतों के दरमियान बैठना कब्र को पढ़ना तुलु आफ्ताब के वक्त और जवाल आफ्ताब के वक्त सोना, असर के वक्त सोना, ये सारी चीज़ें सबब बनती हैं कि इंसान का हाफा चला जाए ना में इजाफ़ी हो ना समझी में इजाफ़ी हो कन जहन होता है इंसान सारी चीज़ों से और आखिरी सबब पुरखोरी ज़्यादा खाना देखें कितना अहम रबा है माह मुबारक रमजान से इन सारी चीज़ों का ज़्यादा खाने से भी इंसान कन जहनी में मुबला होता है न सिर्फ़ कन जहनी में बल्कि एक दूसरी जगह मौलामिरमनि नर्शाद फ़रमाते हैं ला तमीतुल्कलूब बेकसरतम व शराब ज़्यादा खाने पीने से अपने दिलों को मुर्दाना बनाओ फिनलकल्ब यमू तो बेहा ज़्यादा खाने से इंसान का दिल मर जाता है कदर आईदा अक्सर आल जैसे एक किसान खेत में अगर ज़्यादा पानी दे तो उसकी फसल तबाह हो जाती है अगर इंसान पेट में ज़्यादा खाना दे तो उसका दिल मर जाता है ना समझी में मबला होता है कन जहनी में मब्तला होता है ये आज तीसरी माह मबारक रमज़ान का दूसरा फरदुआ का दूसरा फराज़ जिसमें यह पैगाम मिल रहा है जिसमें अल्लाह के बंद के बंद खुदा सेहानत होशियारी हाफा अकल और तफक्र और तदब्बर की दौलत की दुआ करता है खुदाया आज के दिन जो तूने खैर नाजिल किया है उसमें हमारा हिस्सा करार दे तुझे तेरे करम का वास्ता तू सबसे बेहतरीन करम करना